आपकी आंखों में क्या हुआ है? मैं तो ब्लाइंड हूँ सर जी, हमारे मिसेज भी ब्लाइंड है सर। अच्छा अच्छा जी सर, मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ, फिर भी थोड़ा दिखाई देता था पहले, फिर भी मिसेज को सबको पालता चला आया, करता चला आया जी। आज क्या करूँ, मैं क्या करता था देखो बाबू जी, आपसे क्या झूठ बोलना, मंदिर उन्दिर पर चला जाता था, पहले थोड़ा बहुत रोशनी था तो करके खा लेते थे जी। ऐसा ऐसा समय काटता गया बाबू जी। ये मेरे बाबा हैं, आपका नाम क्या है बाबा? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण इनका नाम है और ये दिल्ली में रहते हैं, और आज मैं आया हूँ दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में, और इनकी वाइफ हैं वो भी ब्लाइंड हैं, वो भी उनको भी नहीं दिखता साहब? नहीं। तो आपका एक बेटा है? बस सर बस। और कोई नहीं है? बस कोई नहीं सर। 17 साल का बेटा है बस। तो कैसे चलता है घर का, घर घर मंदिर चला जाता हूँ बाबू जी। मतलब एक तो आपकी आंखें नहीं है, दूसरे आपकी वाइफ की आंखें नहीं है जी सर, दूसरा ऊपर वाले ने आपकी वाइफ को कैंसर कर दिया जी सर, हैं जी सर, मतलब दुख ऊपर से पहाड़, दुखों का पहाड़ पहाड़ बस। मतलब ऐसे ही चलता है गुजारा, कभी मांग लिया, कभी कैसे किसी किसी साहब ने आके मदद कर दी, कैसे? जरूर करते हैं, जरूर आप जैसे साहब करते हैं मदद जी जी, हाँ जरूर करते हैं बाबू जी। और ये इनका बेटा है, इनका क्या नाम है बेटा आपका? करण। बेटा क्या नाम है? करण। करण कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11वीं में। और कोई भाई भाई है आपका? नहीं अकेले है जी। अकेले तो कितनी परेशानी होती है बेटा जब पापा मम्मी को ऐसे हालत में देखते हो तो? क्या करे, मन में रोने का मन करता है पर क्या करे, देखना पड़ता है, करना पड़ता है। अब पढ़ाई छोड़ के इनवेस्ट कर रहा हूँ और किसको क्या कर रहा हूँ। तो डॉक्टर ने क्या बताया बाबूजी आपकी वाइफ को? अभी कुछ नहीं बताया, अब आज बताएगा। कैसी आपकी आँख खराब हो गई थी, क्या हुआ था? मेरी तो खैर बचपन से ये 6 दिन के था तभी आँख खराब हुआ, तो ये आँख से दिखाई देते थे थोड़ा थोड़ा, तो करते 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 रोशनी आते आते सब था, ये करते करते आप जो है बिल्कुल चला गया। तो आज की हालत क्या है आपकी, आप कैसे घर का खर्चा चलाते हो? बाबू जी मैं कहा हूँ मंदिर चला जाता हूँ, साईं बाबा मंदिर है सेक्टर 7 में रोहनी, वहीं चला जाता हूँ। ठीक है बेटा, वहीं जब चला जाता हूँ तो कुछ में कुछ आप जैसे वक्त मदद जरूर देते, कभी पैसे दे दिया थोड़ा बहुत, आटा दे दिया थोड़ा बहुत, चावल दे दिया, ये से गुजारा चल जाते हैं बाबू, क्या करो। लक्ष्मी नारायण नाम है इनका, और आज की स्थिति ये है, इनका बेटा है वो 10th क्लास में पढ़ता था, शायद वो भी छोड़ दिया क्योंकि अपने माँ बाप के खिदमत के लिए, कि मैं अपने माँ बाप को हर सुविधा दे सकूँ। और कितना अफसोस, कितना दुख होता होगा कि एक बच्चा जब देखता होगा मेरे माँ बाप दोनों, रोइए मत आप, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। अब तो आलम ये आ गया होगा कि आपके आँख के आंसू भी सूख गए होंगे रोते रोते। बाबू जी वो तो मालिक के जानते हैं जी जी। कभी ऐसा होता है कि पैसे नहीं होते, दिखाना होता है वाइफ बहुत को, बहुत परेशानी आ जाता है बाबू जी जी जी, बहुत परेशानी हो जाता है। परेशान मत होइए, ऊपर वाला ठीक करेगा, ठीक है ना? देखो आज इतना आँख वाले नहीं कर सकता जितना वो कर गई है मेरे लिए। अभी तो है, कहाँ चले गए, साथ में रहेंगे आपके? मतलब बाबू जी जब साथ छूट जाएगा तो मैं कहीं के नहीं रहूँगा ना। देखो जब ऊपर वाला एक एक साथ छोड़ते ना तो दो साथ, दूसरा साथ, वो आपका बेटा जवान हो गया ना, तो आज जो आप 500 रुपये लाए वो उधार लाए हो? हाँ ले आया, क्या करूँ बाबू जी, लाऊंगा ही लाऊंगा। लीजिए परमात्मा सदा रहो। ये 500 रुपये हैं? ठीक है बाबू। ये 500 रुपये तो आपके उधार के हैं? ठीक है बाबू। उधार देना है आपको, उधार लिया था ना आपने? हाँ जरूर बाबू जी। उनको उधार दे देना आप। दे दूंगा बाबू। जिनका उधार है दूंगा दूंगा। और ये लीजिए परमात्मा सदा रहो। ये कितना है देखो? ये भी दो क्या? अच्छा 1000। नहीं अच्छा 3 नोट हैं, टोटल 2000 है। अच्छा 2000। हाँ चलिए, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जो मेरी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, कि मैं उनको यही बोलता हूँ कि किसी भी धर्म किसी भी जात से जो भी मजदूर या परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए हमेशा। और क्या, ये आपकी सिस्टर हैं, सिस्टर हो आप इनकी? हाँ, है जी। हाँ। अभी हमने इनको 2000 रुपये दिए हैं, ठीक है? हाँ। इनके 2000 रुपये अपने इलाज विलाज के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, आपकी आपकी भाभी के लिए, ठीक है जी।
चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर हम सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बनाए रखें।